हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होंगे उनको देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर वन देखिए। कह रहा है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, यानी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, माइनस वन से वन के बीच में है, तब यहाँ कह रहा है कि देन द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, क्योंकि ये माइनस वन टू वन के ही ना बीच डिफाइन होगा, इसलिए यहाँ पे ये हमें देना होगा। तो ये आपका एक परफेक्ट, अगर आप इतना लिखते हैं तो भी आपका फॉर्मूला सही है, लेकिन ये जो कंडीशन वहाँ लिख देते हैं तो और ज़्यादा ये परफेक्ट हो जाएगा, है ना, हर एक एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन के लिए डिफाइन है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू में जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखिए या फिर एफ डैश एक्स लिखिए, ये किसके इक्वल हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बाई में h, यही ना होता जी। चलिए आगे देखते हैं, तो हो जाएगा f डैश x इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, तो फंक्शन में x की जगह x प्लस एच रख देंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर साइन इनवर्स x और बाई में एच। हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, पढ़े हैं ना जी इनवर्स ट्रिगोमेट्री में हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, याद है आपको, एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस एक्स, फिर रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी, और बाई में यहाँ पर है आपका एच। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग साइन इनवर्स यहाँ पे जो आपका हो, यहाँ पे जो हो वही चीज अगर नीचे रह जाए तो हम लोग जानते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। हम लोग पहले पढ़े हैं ना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग लिमिट में कि लिमिट लिमिट एक्स एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिनोमेटर में और ऊपर मल्टीप्लाई में भी कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर बाई में, यही चीज लिखे नीचे, एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई में भी देते हैं, एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस एच का स्क्वायर, ऐसे है ना, और बाई में जो एच था ये भी यहाँ देते हैं, तो इसका तो वैल्यू वन हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में देखिए इसका हो गया वन, बच जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर और बाई में आपका एच, यही बच जाएगा, इसका तो वैल्यू वन हो गया। अब आगे देखते हैं, हम लोग एक काम करते हैं इसके न्यूमरेटर को रेशलाइज करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या है, एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बाई में, हम लोग एच है ना तो इसको क्या करते हैं इंटू में, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में दोनों जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए किससे, हो जाएगा एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होते हैं प्लस दे देंगे, और फिर हो जाएगा एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर
ठीक है, और बाई में भी यही टर्म, एक्स प्लस एच, ठीक है, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक तो माइनस में एक बार प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो यहाँ तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाई में हो जाएगा एच इंटू में ये वाला टर्म एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए ऊपर स्क्वायर से वहाँ रूट हटेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर आ जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर, एक्स प्लस एच का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी रूट हट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ बाई में जो है इसको लिख देते हैं यहाँ पर एच ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एच इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है, एक काम कर सकते हैं अब इसमें देखिए हम लोग ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो वन के साथ इसमें तो आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और बाई में है आपका एच ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एच इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए ये वाला टर्म इस टर्म से कट जाएगा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको तोड़ देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, या एक बार माइनस प्लस में कर सकते हैं स्क्वायर में है तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स और एक्स प्लस एच प्लस एक्स ऐसे भी तो कर सकते हैं, और बाई में जो है वो रख देते हैं एच ब्रैकेट में एक्स प्लस एच रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, अब इसके बाद देखिए क्या बचता है, आगे देखते हैं इसमें हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट बंद नहीं करना होगा। देखिए अब इसके बाद बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू टू एक्स प्लस एच बाई में एच ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एच इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर। चलिए यहाँ से देखिए एच से एच यहाँ कट जाएगा, अब देखिए एच टेंस टू जीरो है ना जी, तो जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स प्लस जीरो बाई में एक्स प्लस जीरो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस जीरो प्लस एक्स प्लस जीरो कर देते हैं एक्स प्लस जीरो का स्क्वायर इन हो जाएगा, तो ऊपर आपका टू एक्स नीचे आपका देखो एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स बाई में टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा वन टाइम्स में। तो हमने दिखा दिया कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। चलते हैं आप कॉस इनवर्स के लिए सेकेंड थ्योरम देखते हैं, थ्योरम टू देखिए इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन देन द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में होगा माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, तभी ना ये डिफाइन हो पाएगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, हम लोग यहाँ पर फंक्शन ले लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए तो अब हम लोग इसके डेरिवेटिव के लिए यानी एफ डैश एक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लिमिट
एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और वाई में एच, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच यानी कि हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस का कॉस इनवर्स एक्स और बाई में यहाँ पे एच। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को चेंज कर दें, क्योंकि अभी हमने साइन वाला प्रूफ किया ना, तो उसी के हेल्प से ये हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसे कर देते हैं पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस का एच, ठीक है। और फिर यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स और बाई में आपका एच है तो एच रहने। अब ब्रैकेट हटाते हैं ऊपर से, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई टू प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और बाई में यहाँ पर एच, इससे ये कट जाएगा। माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस का साइन इनवर्स एक्स बाई में एच। चलिए तो ये देखो ना, अभी हम लोग फर्स्ट थ्योरम में देखे थे ना, इसी को ना सिंप्लीफाई किए थे। एक्चुअल में ये जो है अभी हमने देखा था कि इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग लाए थे वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर लाए थे ना, याद है? अभी हमने देखा था साइन इनवर्स एक्स वाले में, मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। हमने फंक्शन लिया था जब साइन इनवर्स एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, एफ डैश एक्स क्या था? लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स और बाई में एच, और इसी को लाए थे वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही उसी का ना डेरिवेटिव है, तो माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने लिखा दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। क्लियर है? समझ गए? इसका तो डेरिवेटिव आसान है। अब चाहो तो इसको आप लॉन्ग मेथड से, जैसे हम लोग देखे थे ना, मतलब कि जो स्टेप्स हमने साइन इनवर्स एक्स के लिए लिए थे, इसके बाद सारा स्टेप आप इसके आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब जानते हैं कि ये हमने अभी देखा था, इसको ऐसे बनाया था, तो इसको तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देंगे जी, स्टेप हमारा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आप पूरा प्रोसेस चलोगे, इसके बाद जो आप प्रोसेस साइन इनवर्स में चले थे ना, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे डू करना होगा आपको। समझे ना बात को? नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर थ्री। क्या कह रहा है? द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स दिस लाइक, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे फंक्शन ले लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एफ डैश एक्स निकालने के लिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और बाई में यहाँ एच। चलिए देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स और बाई में यहाँ पर एच। तो यहाँ ऊपर हम लोग टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई में वन प्लस एक्स प्लस एच इंटू में एक्स, ठीक है, और यहाँ बाई में यहाँ पे है पूरे के एच। अब इसके बाद देखिए, यहाँ ऊपर जो है आप एक्स से एक्स काट दो, क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एच, ठीक है, बाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स और इसके बाई में है एच। एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन, तो देयरफॉर हम लोग इसको डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि इसका वैल्यू वन मिल जाएगा। यहाँ पे टेन इनवर्स एच बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स बाई में एच बाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स और इंटू कर देंगे ऊपर भी,
एच बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स और बाई में यहाँ पर एच, ठीक है, पूरे के बाई में एच, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, एच बाई में ये बच जाएगा एच बाई में एच इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स, ये कर जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 0 इंटू में एक्स, यानी आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, यानी लिख सकते हैं कि हेंस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम पे। चलिए थ्योरम 4 देखते हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ करते हैं। हम लोग यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू में कॉट इनवर्स एक्स। तो हम लोग इसके डेरिवेटिव के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बाई में आपका एच, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस का कॉट इनवर्स एक्स बाई में आपका एच। फॉर्मूला हम लोग कॉट को टेन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं कौन सा, कि कॉट इनवर्स एक्स जो होगा ये पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, ठीक है, फिर इसके लिए हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स और बाई में एच है। चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, फिर माइनस पाई बाई टू और प्लस टेन इनवर्स एक्स और बाई में यहाँ पर एच है, इससे ये कट जाएगा। ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस का टेन इनवर्स एक्स बाई एच। अरे ये तो हमने देखा था ना अभी कुछ देर पहले हमने देखा था थर्ड थ्योरम में, क्या देखा था जी, कि एफ एक्स हमारा फंक्शन था टेन इनवर्स है, और देखे थे कि एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो रहा था, लिमिट एच टेंस टू 0 टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस का टेन इनवर्स एक्स और बाई में एच, और इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या लाए थे, इसको कैलकुलेट करके 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं, माइनस ऐसे ही रहेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने डायरेक्ट लगा दिया ही। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव होगा, लिख सकते हैं हेंस डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो इस वीडियो में यही चार थ्योरम रहने देते हैं, क्योंकि अगला थ्योरम थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।